गुड मॉर्निंग अंकल जी, लोगों कैसे भाई आप लोग। चलिए भाई आज कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए अगर आपने इससे पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं देखेंगे तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ पाएंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ना वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स है, जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब देखो पहली बात तो हम ये दोनों वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो मैथमेटिकल टूल्स हैं। 11th और 12th की फिजिक्स में ना इनका धुआंधार यूज है। और जल्दी से फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो परेशान ना हो, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता डजंट मैटर, इंटीग्रेशन नहीं आता डजंट मैटर, आप क्या करें केवल और केवल इनके फॉर्मूले लिख लें। मैंने कहा था ना एक चार्ट में फॉर्मूला लिखिएगा। मैं आपको बताता हूं, आप में से कुछ बच्चे ना एडवांस माइंड के होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं, हमेशा दिमाग लगाते हैं। मैं थोड़ी सी की स्टोरी सुनाता हूँ आपको, छोटी सी, थोड़ा सा नॉर्मल सी। महाभारत आपने सुनी होगी। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग भगवान कृष्ण के पास गए। तो अर्जुन पहले पहले दुर्योधन पहुंचे और वो जाके भगवान कृष्ण के सर के पास बैठ गए, भाई लंबरदार आदमी थे। उसके बाद अर्जुन पहुंचे तो वो भगवान कृष्ण के सर के पास बैठ गए, तो सॉरी पैर के पास बैठ गए। अब भगवान कृष्ण सो रहे थे, उनकी नींद खुली, जब वो जगे तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले उनकी नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी, क्योंकि वो पैर के ऊपर बैठे थे। तो उठे, उन्होंने अर्जुन से पूछा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। तो दुर्योधन बोल पड़ा, वह लंबरदार आदमी था, उसने कहा पहले मैं आया हूं, उससे क्या पूछ रहे हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो तुम ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन ने सॉरी दुर्योधन ने कहा कि ऑप्शन तो दो। तो भगवान ने कहा मेरे पास कई लाख सेना है, हाथी घोड़े हथियार है, एक ऑप्शन ये है चाहे वो ले लो, और दूसरी तरफ मैं अकेला हूं, ना मैं अस्त्र उठाऊंगा ना ही मैं युद्ध लड़ूंगा, केवल साथ रह सकता हूं। तो दुर्योधन ने दिमाग लगाया, हाँ यार ये इसका क्या करूंगा भाई, जब तुम युद्धों नहीं लड़ोगे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे तुम्हारा कौन सा काम फिर। उन्होंने कहा एक काम करो तुम सेना हमको दे दो, तुम जहां जाना जाओ भाई। वो लेके चला गया, इसे कहते दिमाग लगाना। अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा सर हम तो आपके पास आए हैं, मुझे बस आप ही चाहिए। वो कृष्ण को लेके चले गए। कुछ दिन बाद रिजल्ट क्या निकला आपको पता ही है, अर्जुन युद्ध जीत गए और दुर्योधन युद्ध, समझदार हैं आप जान गए होंगे। कुछ भी करना, अगर आपका कोई भी आपसे बड़ा, जरूरी नहीं कि टीचर्स हो, कोई भी आपका पेरेंट्स मम्मी पापा एनीवे कुछ भी कह रहा है, ट्राई करना कि वहां पर तुम अपना दिमाग मत लगाना। क्योंकि वह व्यक्ति अगर आपको कह रहा है ना तो उसने उस चीज को प्रैक्टिकल किया होगा, खुद का दिमाग लगाया होगा, फिर वो आपको बता रहा है। कोशिश करना कि अपना दिमाग मत यूज करना, उसी के दिमाग को यूज करके अच्छे से काम कर लेना। क्योंकि अगर हर चीज को तुम एक्सपीरियंस करके काम करोगे ना जिंदगी कम पड़ जाएगी और अनुभव तो बहुत सारे मिलेंगे। चलो देखो ये इंटीग्रेशन है, पहले एक एक चार्ट में फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का लिख लो, दूसरे में इंटीग्रेशन का लिख लो। सबको हम भी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, अच्छे से पढ़ लो ठीक से। ठीक है, इसके बाद 11th का मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा। आपको मैंने 3 वीडियोस दिए थे लेकिन शायद आप में से कुछ बच्चों की थोड़ी बहुत शिकायतें उस वीडियोस को लेकर के सर समझ में कम आया है। कोई बात नहीं, मैं सारे के सारे वीडियोस आपको फिर से दूंगा, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन 1 by 1 पढ़ाऊंगा। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आप आराम से पढ़ें, एक एक चीज टॉपिक क्लियर होगी मेरी गारंटी है। दूसरी शिकायत आपसे, आप में से बहुत सारे बच्चे ना वर्क ही नहीं भेज रहे हैं, आप केवल अपना पढ़ लेते हो और पढ़ के रख लेते हो। ये बताओ मैंने व्हाट्सएप नंबर तुमको काहे लिए दिया है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने के लिए। अपना होमवर्क भेजो ना, मैं तो जानूंगा कि तुम कितना पढ़ रहे हो, मैं जानू तो कि तुम पढ़ भी रहे हो कि खाली वीडियो क्लिक करते हो फिर नीचे सुपर सर बस खत्म काम, इतना ही काम करते हो। मुझे भी तो पता लगे ना कि आप एक्चुअल में कुछ कर रहे हो। क्वेश्चंस पूछो मुझसे, अपने जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनका होमवर्क भेजो, मुझे एक आउटपुट मिले, मजा आए मुझे भी काम करने में। आप एकदम लल्ली पड़े बैठे हो, तुल्लुए कोई मतलब ही नहीं आपसे। चल रहा देखते। देखो भैया इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का अब दोनों का मतलब समझना, अभी कहां यूज करते हैं इसके लिए तुम परेशान ना हो। फिजिक्स में यूज तुम्हें कहां कहां यूज करना है इसकी जरूरत नहीं है, जहां जहां यूज हो केवल वो समझने की जरूरत है। ये भी हम बता देंगे कहां यूज करते हैं। चलिए समझिए, पहले
पहला फॉर्मूला अगर y इज इक्वल टू x की पावर n दिया हो और हमको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है y को, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब y की वैल्यू x की पावर n, तो x की पावर n dx। अब ऐसी कंडीशन में कभी भी फॉर्मूला आपको मिले x की पावर n dx करना हो, आप डायरेक्टली यहां x की पावर n लिख सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला है जो वो बनेगा x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, c क्यों लगाया? c जब तक लगेगा जब तक कि यहां पर, जैसे यहां पर हमने लिख दिया मान लो 2 1, तो c गायब हो जाएगा। इसका मतलब हमको फर्स्ट से सेकंड तक या सेकंड से फर्स्ट तक का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, यहां c का मतलब इनफाइनाइट है, अभी हमको पता ही नहीं है कि कितने लेवल तक इंटीग्रेट होगा ये, तो इनफाइनाइट के लिए हम c लगाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं 1 अपॉन x dx का। यहां पे हमने एक कंडीशन दी, n डज नॉट इज इक्वल टू -1, n की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए, तभी फार्मूला यूज होगा। अगर -1 है, देखो यहां पर -1 है, हमने इसको 1 अपॉन x लिखा है, अगर इसी फार्मूले को हम चाहें तो इंटीग्रेट आप x की पावर -1 dx भी लिख सकते हैं, तब इसका फार्मूला बनेगा log mod x, ये mod लगा हुआ है। ठीक, कैसे निकालेंगे सब बताया जाएगा, परेशान ना हो। आगे बात करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx का, इसका फॉर्मूला e की पावर x प्लस c, यहाँ प्लस c लगाना भूल गया, लगा लीजिएगा। फिर सेम काम अगर केवल dx का इंटीग्रेशन करने को आ जाए, केवल x का, तो हो जाएगा x प्लस c। ठीक है, फिर uv मतलब मल्टीपल मैथड में दो नंबर दिए हूँ मल्टीपल फॉर्म में, तो आप लिखेंगे यू को ऐसे ही लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन है, फिर आप v का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझिएगा, अभी डिफरेंशिएशन हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा था, याद आया हो कुछ आपको तो हल्का फुल्का, पीछे वाला जो टॉपिक है उसमें हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, तो डिफरेंशिएट करेंगे फिर इंटीग्रेट फिर दोबारा करेंगे v को, सारा काम v के साथ करेंगे, u को बाहर रखेंगे। ठीक है, फिर अगला फार्मूला cos u का sin u, याद करो वहां पर क्या था, वहां पर cos का माइनस साइन था, यहां पर क्या है cos का प्लस साइन, वहां sin का प्लस cos था डिफरेंशिएशन में, यहां sin का माइनस cos है, वहां sec स्क्वायर का माइनस tan था, यहां प्लस tan है, वहां cosec स्क्वायर का माइनस cot नहीं था, सॉरी हाँ sec स्क्वायर का tan और cosec स्क्वायर का माइनस cot, एक बार मैं चेक कर लूं सही लिख रहा हूं, ठीक है राइट। आगे बात करते हैं, sec u इंटू tan u का sec u होगा sec u प्लस c, cosec u इंटू cot u का माइनस cosec u प्लस c होगा, इंटीग्रेटेड आप tan u का होगा sec u, cot u का cosec u, sec u का sec u प्लस tan u। ठीक है, आगे cosec u का माइनस cosec u प्लस cot u, क्लियर, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, पूरा का पूरा आप नोट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, जल्दी छापे बहुत जल्द। चलिए आई होप नोट हो गया होगा ना आपका फॉर्मूला, अब क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे, मैं आपको बता दूं केवल आपके यहां ये फॉर्मूला यूज होगा, भयंकर तरीके से फिजिक्स में जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं पर ये यूज होगा, बाकी ये यूज होगा ना, इसका काम ज्यादा पड़ेगा ना इसका, नहीं इसका पड़ेगा, इसका पड़ेगा, इसका पड़ेगा, इसका और इसका पड़ेगा। अच्छा, इनमें तो मैं कुछ करना ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, इनमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है आपको, क्यों सॉल्व इनमें समझना है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, सीधे यही दिया होगा ऐसे लिख दो, ये दिया होगा ऐसे लिख दो बस। ठीक है, एरेज कर रहा हूं, ठीक है एक मैथड समझा देता हूं उसके बाद एरेज कर रहा हूं उसको। मान लो कहीं पर कभी कभी कॉसिंग में सीधे बात करते हैं नुमार्कल की, तभी बात पढ़ते हैं फिर आगे। मार्कर कहाँ गया भाई, मिट गया मिट गया मिट गया। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है x की पावर n के फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, मान लो लिख दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप समझिए, ये x है, यहाँ x की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा समझो भैया,
फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस 1, तो x की पावर n की जगह 1 प्लस 1 और अपान n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब x की पावर 2 अपान 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। चलो चेक करो, आप दूसरा लगाओ, सेकेंड इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx, इसका क्या होगा, सेम वही x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 मीन्स x क्यूब अपान 3 प्लस c। चलिए अभी दो तीन आप ट्राई करिए, x की पावर 4 dx, x की पावर 9 dx, x की पावर y dx, x की पावर 2x प्लस 1 dx, ऐसे आ जाए तो इसे गलत है, ये नहीं आएगा कभी इस तरह, इस तरह का दूसरा होगा, यहां हमने लिख दिया 10। अब इससे हल करना आपको काम है, ठीक है, एक और लिख लूं, x क्यूब dx। चलो जल्दी से नोट करो फिर आगे बताएं, जब तक मैं थोड़ा आहार ले लेता हूं। चलिए हटाया मैंने इसे, ठीक है, अब मान लीजिए किसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू आ जाए रूट में, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसे कैसे करोगे, इसे पहले लिखो एक्स की पावर हाफ डी एक्स, आपको पता ना रूट को हाफ लिख सकते हैं, अब इसी का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपान हाफ प्लस वन मीन्स एक्स की पावर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू, टू गया ऊपर हो जाएगा टू एक्स अपान थ्री और थ्री बाई टू इसकी पावर, ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बिस्किट खाते हुए आराम से। हो गया नेक्स्ट काम, चलो भाई। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में इनफाइनाइट वर्ड हटाना हो, मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए x dx 3 2, मतलब कि तीसरे थर्ड टू सेकेंड तीन से दो तक का इंटीग्रेशन आपको करना है, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर तक का, ठीक है। तो पहले तो अपना फॉर्मूला लगाओ, इसको भूल जाओ, फॉर्मूला क्या होगा, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यहां n की जगह 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2 अपान 2, ठीक है, दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्मूला। अब साइन हट जाएगा, ठीक है, अब हम ब्रैकेट लगा देंगे, 3 लिख देंगे 2 लिख देंगे, ये वाला 3 ये वाला 2, अब ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि इस साइन का काम खत्म था, जैसे फॉर्मूला लगाओगे वैसे साइन हट जाएगा। अब फिर यहां भी 3 अपान 2, सॉरी 3 और 2, इसके बाद समझने वाला मैटर अब, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये जो 3 दिया है ना, ये जो 3 और 2 दिया है, इसका मतलब है कि एक बार x की जगह पे 3 रखो, एक बार x की जगह पे 2 रखो, ठीक, चलो रखे हैं, एक बार x की जगह 3, तो 3 स्क्वायर अपान 2, फिर माइनस का साइन लगाओ, एक जगह एक बार x की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर अपान 2, ये क्या बन जाएगा, 9 अपान 2 माइनस 4 अपान 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 अपान 2, ये हो जाएगा 5 अपान 2, दिस इज योर आंसर, नोट कर लो। और एक क्वेश्चन देखते हैं, हटाए इसको ना, चलो इंटीग्रेशन मान लो, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, मान लो दिया है 3 0 x की पावर 2 dx, अब बताओ क्या होगा, पहले फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला में क्या लगाओगे, x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 यूज इन ब्रैकेट, यहाँ 3 यहाँ 0, x की पावर 3 अपान 3 यूज इन ब्रैकेट, यहाँ 3 यहाँ 0, अब सेम काम, एक बार x की जगह पे 3, एक बार x की जगह पे 0,
तीन का क्यूब अपान तीन माइनस जीरो का क्यूब अपान थ्री। सॉल्व कर लिया इसको, थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन अपान थ्री, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, इसका काम खत्म। कैंसिल किया इसको, इसका आंसर आया नाइन। ठीक, चलो एक आप और करना, दूसरा देखते हैं, हटाया इसको मैंने। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, मान लो फॉर्मूला दिया हो साइन एक्स डी एक्स, या साइन थीटा डी थीटा, ऐसे दे दिया इन्होंने। ठीक, यहां दे दिया थीटा टू, यहां दे दिया थीटा वन, आपको वैल्यू दे दी कि थीटा टू इज इक्वल टू वी नाइनटी और थीटा वन इज इक्वल टू वी नाइनटी। तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे, पहले तुमको बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, जल्दी से देख के बताओ, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा ना, माइनस कॉस थीटा। चलिए तो ये इंटीग्रेट करोगे तो यहां हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यहां हो जाएगा थीटा टू थीटा वन। अब इसे इंटीग्रेशन और करो, सेम काम, समझो क्या, थीटा की जगह एक बार थीटा टू रखेंगे, एक बार थीटा वन रखेंगे, तो माइनस कॉस थीटा की जगह थीटा टू, माइनस हटा दो अभी। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखो केवल, ये कॉस, ये माइनस में लिखा हुआ है पहले से, माइनस आप बाहर रखो। ठीक, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, अब क्या हो जाएगा, माइनस थीटा टू की जगह भी कॉस नाइनटी, थीटा वन की जगह भी कॉस नाइनटी। तो इसे क्या बोलेंगे अब, ये हो जाएगा कॉस नाइनटी, कॉस नाइनटी वैल्यू होती है जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस जीरो माइनस जीरो, आंसर आएगा जीरो। और देखते हैं, चलो ट्राई करने में क्या जाना, मेरे बाप का कुछ ना आपके बाप का कुछ, सीरियस किया। एक क्वेश्चन और देख रहा हूं, मान लो कि आपको इसी बहाने इन्होंने क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा और डी थीटा, यहां दे दिया 60 डिग्री, यहां दे दिया 30 डिग्री, कुछ भी दे सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम है, तुम टेंशन मत लो। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, यहां 60 यहां 30, सेम काम, एक बार साइन 60 माइनस एक बार साइन 30 माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, इसका आंसर आएगा रूट थ्री माइनस वन अपान टू। क्लियर, चलो हटाए इसको हमने, अब कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं ना। चलो देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एक्स की पावर थ्री डी एक्स नाइन टू, ज्यादा बोल दिया, थ्री टू पहला, दूसरा एक्स डी एक्स टू जीरो, तीसरा वाई डी वाई वन, माइनस वन लिख दिया और जीरो लिख दिया, माइनस ना तो माइनस वन रखेंगे, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद चौथा टैन थीटा, यहाँ पाई बाई टू और पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब जान लो, पाई की जगह रखेंगे 180, टू से कैंसिल करेंगे तो यह आएगा 90, मतलब ये 90 दिया है। फोर्थ, फिफ्थ देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा टू, यहाँ पर थीटा वन, थीटा टू थीटा वन की कोई वैल्यू दी ही नहीं, नहीं दी तो छोड़ देना। सिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है या कुछ और लेते हैं, कॉस थीटा ही ले लूँ, कॉस थीटा, यहाँ हमने दे दिया 60, यहाँ 90, यहाँ 60। चलो इतने क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है, इनको नोट करो फिर आगे बढ़ाते हैं, हटाए इसको ना भाई, चलो हटा दिया, यस सर हटाइए सर, चलो भाई हो गया। अब आइए हम इस फॉर्मूले की बात कर ले, देखो सबसे ज्यादा यूज वही तरह होगा जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा यूज इसी का है, इसके अलावा कुछ नहीं है,
तुम चाहो तो और दे दें आपको, हिमाधार कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये और कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक यू क्या होगा पता नहीं, सेक थीटा लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर 60-30, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा 90-30, कुछ भी करो, सब अपने घर के मैटर सब एकदम क्लियर है सर। और लो एक इंटीग्रेशन और करो, यहाँ लिख दो यू यू डी यू, और यहाँ वी और यहाँ यू, चलो एक ये करना फटाफट, ठीक है। फिर यहाँ टी, यहाँ जीरो, और यहाँ किसके सापेक्ष जुड़ा टी और डी टी, चलो ये भी करना, बस इतने बहुत है, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 10 इतने कर लेना, बड़ी मेहरबानी है, इनको करके मेरे पास भेज देना ना, पक्का प्रसाद बांटूंगा। चलो इसे भी ले लिया मैंने, आगे देखता हूँ थोड़ा। अब हम इस टॉपिक की बात करेंगे, लॉग का मैटर कैसे होगा, चलो समझते हैं। लॉग वाले क्वेश्चन कहाँ गए भाई, मिल गए। चलो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 1/x dx, डायरेक्ट यही करना है। इसको कैसे करोगे आप समझो, ये जाएगा तो बन जाएगा x^-1 dx, ये x ऊपर चला जाएगा तो ऐसे बनेगा। अब बनेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log mod of x, बिकॉज मॉड में कभी भी माइनस प्लस की वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। अब मान लो इसमें हम चेंजिंग कर दें कुछ, मान लो यहाँ लिख दे 5, यहाँ लिख दे 2, तो ये जो प्लस सी लगाने वाला सिस्टम था इसका काम खत्म। अब 5 और 2 लिख गया तो क्या होगा, फिर दिमाग लगाओ, 5 और 2 का मतलब एक बार मॉड ऑफ एक्स की जगह 5 और एक बार मॉड ऑफ एक्स की जगह 2, मतलब ये ब्रैकेट लगाओ, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ होगा log 5-log 2, इट्स क्लियर, यस सर। और देखते हैं वो, ठीक। अब एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, log आपने अगर पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो जान लो, log a और माइनस log b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a/b, इसको नोट कर लें आपके बड़ा काम आएगा। यहाँ log a 5, log b 2, तो अगर इसको यूज करेंगे, देखो log लास्ट में रहेगा, सॉरी मैं ठीक बोल रहा हूँ, यहाँ लास्ट में log रहेगा, log a/b, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर log a की जगह 5, b की जगह 2, ये आंसर आएगा लास्ट में। चलो एक और चेक करते हैं, ऐसे मिलता जुलता, मान लो ऐसे कर दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x^-1/x² और क्या है dx, यहां लिख दिया गया 3, यहां लिख दिया गया 2, तो चलो कार्यक्रम शुरू करो, वही सेम काम, इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां हो जाएगा log, पहले तो इसको इंटीग्रेट में लाओ, इसको ऊपर ले जाओ x^-2 dx, फिर अब ये हो जाएगा log mod of x^2, ऐसे, ठीक। और यहाँ क्या 3 और 2, सेम वही कंडीशन। वैसे तो आपको इस फॉर्म में कभी नहीं दिया होगा, मान लो दिया हो बस वैसे कर लेना जैसे भी मैंने बताया, ठीक, इसे इरेज किया मैंने। चलो आगे और समझते हैं थोड़ा सा, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, कहीं भी क्वेश्चन दिया हो, मान लो e^5 और dx, तो इसका आंसर सीधे e^5 डायरेक्ट, मान लो यहाँ 2 यहाँ 3 ये दिया हो तो चेंज हो जाएगा e^5, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, मिस्टेक है क्या यार, 3 ऊपर होगा 2 नीचे होगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे e^2-e^3, काम खत्म, ठीक है। चलो अच्छा आगे बातचीत करते हैं, इसको रेज करते हैं थोड़ा सा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ये समझ लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट ये इसमें, हाँ ये रेज हो जाओ भैया, हो जाओ भैया, हो जाओ, हो जाओ भैया, हो जाओ भैया, हो जाओ भैया, हो जाओ, हो जाओ भैया, हो जाओ, हाँ हाँ। इससे मिलता जुलता भी एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए यूवी के फॉर्म का। अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हो, इंटीग्रेशन आप 3 dx, तो कैसे करोगे, 3 बाहर आ जाएगा, हमेशा कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है 3, और ये हो जाएगा dx, और dx का इंटीग्रेशन हमने बताया था आपको कि हमेशा क्या होगा x + c, तो
तो ये क्या हो जाएगा, थ्री ब्रैकेट में एक्स प्लस, सॉरी एक्स फिर प्लस सी, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस सी। मान लो इसे चेंजिंग कर दे, यहाँ फाइव दे दे, यहाँ टू दे दे, तब क्या करोगे? ऐसी कंडीशन आ जाए, यहाँ फाइव आ जाए, यहाँ टू आ जाए, बेटा तो परेशान मत होइएगा, आप सीधे लिखिएगा थ्री ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, और एक बार एक्स की जगह फाइव, एक बार माइनस टू, तो ये बन जाएगा थ्री, पांच से दो गया तो तीन, आंसर आएगा नाइन। शाह थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और काम की बातें जानते हैं। शाह ये फार्मूला आप नोट रखिए, वैसे इसका कोई काम विशेष नहीं है, पढ़ेगा तो बता आ जाएगा। चलो मान लो ना आपको क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, ये गंदी बात है, मेरा बिस्किट कोई उतरा खा रहा है। चलिए भैया ये करिए, करने वाले को कुछ नहीं दिया जाएगा, बाकी समझदार है, बताएं जल्दी से। देखो ये यू वी के फॉर्म में लिख दिया गया है, तो कैसे होगा ये फॉर्मूला लगाएंगे, यू को बाहर लेंगे, यू कौन है ये, वी कौन है ये। अच्छा एक प्रॉब्लम है क्या, यू वी मानने में एक प्रॉब्लम है, यू वी मानेंगे कैसे, किसको यू मानेंगे किसको वी, इसके लिए आप लिख लीजिए एट, आई एट कहते हैं इसको, आई एल ए टी ई, ये है यू वी मानने का फॉर्मूला। सबका मतलब जान लो, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंट, जैसे ई की पावर एक्स, ई की पावर फाइव, ऐसे के कुछ दिया हो। इनवर्स का मतलब एक्स की पावर माइनस टू, एक्स पावर माइनस वन, ऐसे दिया हो। अलजेब्रा का मतलब एक्स वाई जेड, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब दिया हो, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले इसमें देखें क्या आ रहा है, एक्स क्या है अलजेब्रा, तो पहले ई ए अलजेब्रा को एक्स माने, यू मानेंगे, और फिर ये ट्रिग्नोमेट्री है इसको वी मानेंगे, मतलब इनमें से सबसे पहला एडवर्ड जो होगा, देखो अलजेब्रा अगर इसमें एक्स क्या है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा को यू माना, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इसको माना वी, ठीक, ये नोट कर लिया आपने। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं, फिजिक्स वालों के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं है, ये पेपर में ना ना के बराबर कहीं परसेंट में आता है, मतलब ऐसे इन चीज इस फॉर्मूले का यूज परसेंट में होगा, कहीं होगा तो देखा जाएगा। चलो देखो सॉल्व करना स्टार्ट करो भाई, क्या हो जाएगा, एक्स को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन आप, फिर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब कि क्या चेक करके बताओ जल्दी से, डी एक्स अपान डी एक्स भाई, एक्स के सापेक्ष तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आप फिर साइन एक्स डी एक्स, एक्स को एक्स रहने दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आई होप माइनस कॉस एक्स, माइनस इसका इंटीग्रेटेड वन ही होगा इंटू फिर इसका माइनस कॉस एक्स, तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, चाहे ऐसे छोड़ दो, चाहे इसमें से माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लो तो अंदर एक्स माइनस वन बचेगा, चाहे ऐसे कर दो बस हो गए, एकदम ईजी है, एक और करके देखते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं, कोई दूसरा लेते हैं, लेते हैं भाई। हमने एक आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सॉरी एक्स और ई की पावर एक्स, चलो इसको इंटीग्रेट करो, सेम काम पहले, अब यू किसको माने वी किसको माने चेक करो, एलेट से एक्स क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है और ई क्या है एक्सपोनेंट है, तो अलजेब्रिक ए पहले आता है इसमें और ई बाद में है, तो इसको यू मानेंगे, इसको इसको भी मानेंगे, सेम वही काम, यू को बाहर करो, यू मतलब एक्स को बाहर किया,
इंटीग्रेशन करो उसका यू वी का, तो ई एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, यू का, तो डी एक्स अपान डी एक्स, यहाँ यू लिख दो, सॉरी माई मिस्टेक बोल दिया, ठीक है। फिर इंटीग्रेट करो वी को, वी मतलब ई एक्स, फिर ई एक्स डी एक्स हो गया, एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी होगा, माइनस डी एक्स का इंटीग्रेट डिफ्रेंसिएशन वन, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कर लो कॉमन, तो एक्स माइनस वन, दिस इज योर आंसर, ठीक है। प्लस सी जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं की गई है। चलो एक मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, बाकी छोड़ दीजिएगा, हटाओ इसको बस, और ज्यादा दिमाग में अब मत करना, इसमें कुछ मत करना, ठीक। हम कुछ क्वेश्चन आपको दिए दे रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना बस। चलो पहला इंटीग्रेशन एक्स की पावर टू इंटू 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 एक्स की पावर टू साइन एक्स डी एक्स पहला, दूसरा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तीसरा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, चौथा टू साइन एक्स, पांचवा टू साइन एक्स, सॉरी टू साइन एक्स तो हो गया, एक्स की पावर थ्री कॉस एक्स, ठीक। अगला करो छठवा, अब लाओ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप बता देते हैं, इससे हल्का सा हटके। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 2x स्क्वायर dx, तो इसका कैसे करोगे, पता ही है ना फॉर्मूला, 2 को बगल में लिखो इंटू एक्स की पावर n प्लस वन, मतलब 2 प्लस वन और अपान 2 प्लस वन, तो हो जाएगा 2x क्यूब अपान 3, ये आएगा ना। हाँ सर जी पता है, कुछ नहीं लगा तो प्लस सी, वैसे मैक्सिमम कंडीशन में आपको कुछ लगा वाला ही मिलेगा, ठीक। का और चलो लगे वाले और लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ किसका 3x क्यूब 5 3, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर 3 2, इंटीग्रेशन ऑफ किसका t स्क्वायर dt 3 0, इंटीग्रेशन ऑफ u स्क्वायर नहीं यू डी यू, यहाँ वी स्क्वायर यहाँ यू स्क्वायर, चलिए ये सब आपके काम है, इतने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से करने हैं आपको। 6 इसको क्या बोलेंगे, 7 इसको बोलेंगे, 8 इसको बोलेंगे, 9 इसको बोलेंगे, 10, इतने क्वेश्चन ट्राई करना है, जहाँ आपको ना आए वहां मैं आऊंगा, घबराना नहीं, जहां ना आए वहां मैं आऊंगा। चलो देख लेता हूँ, एक ऐसा एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, मान लो कहानी जुड़ते जुड़ते जुड़ गई, और कुछ इस कदर जुड़ गई टूटने का नाम नहीं ले रही, मतलब कि हम बोले कि y dy और y स्क्वायर और x स्क्वायर, इसके सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना है, जी सर करना है। अब करना है तो भैया कार्यक्रम को शुरू करिए, यहां y की पावर 1 है प्यारे, तो यहां बन जाएगा क्या, y की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, ब्रैकेट लगाइए, y स्क्वायर x स्क्वायर मत भूलिएगा, यहाँ ऑलरेडी y स्क्वायर, कुछ और कर देते हैं y स्क्वायर सेम दिखेगा आपको, यहाँ z कर दिया, यहाँ भी z कर दिया, तो y स्क्वायर अपान 2 यहाँ हो गया, और z स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ हो गया, समझो मैंने कहा था कि इसका मतलब कि एक बार y स्क्वायर y की जगह z और एक बार x की जगह जेड वाई की जगह एक्स, यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर, तो सेम काम, एक बार वाई स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर अपान टू माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू, तो ये क्या बन जाएगा लास्ट में, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू, ये ठीक है। ऐसे ऐसे उसको सॉल्व करोगे बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान टू। फिर मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, इस वीडियो में बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही, सेम वही कंडीशन
हमारे अनूप पांडे, आयुष ओझा, मधिया फातिमा, अंशी श्रीवास्तव, शिखा राजपूत और एनएम फातिमा, सदब खान, रत्ना शुक्ला और भी कई बच्चे हैं, मेरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सुहानी श्रीवास्तव, ऐसे कुछ बच्चे जिन्होंने मुझे यूट्यूब से कमेंट किए पिछले वाले वीडियो में, किसी का नाम भूल गया हूँ तो आई एम सॉरी बेटा, उन सभी को वेरी वेरी थैंक्स, बहुत सारा थैंक्स और बहुत ज़्यादा आभारी हूँ मैं आपका कि आप सब लोग मेरे साथ लगातार बने, मेरी वीडियोस को देख भी रहे हैं, बड़े थोड़ा सा देख रहे हैं। मैं बता दूँ आपको, आप में से जितने लोग मेरी वीडियो को जितने शेयर करते हैं, जितनी देर देखते हैं, वो नीचे आ जाता है लिख के। जब मैं YT स्टूडियो से देखता हूँ, एनालिसिस जा करके या एनालाइज किया जाता है, तो वहाँ पर दिख जाता है कि हमारा कौन सा सब्सक्राइबर हमारी कौन सी वीडियो को कितने मिनट देखा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप अगर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 2 मिनट देख के छोड़ देते तो मुझे पता नहीं लगता है, लेकिन देखें क्योंकि ये सारी मेहनत मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब आप क्लास में आए तो आपको कुछ आना ना बाकी रह जाए, जब क्लास में आए तो जो भी पढ़ाया जाए आप अच्छे से कैच कर ले, और अगर आप मेरी फीलिंग को नहीं समझेंगे तो हम आपकी फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे, और जब एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझेंगे तो हम फील नहीं कर पाएंगे और फिर हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।